ओम साई राम श्री साई बाबा संस्थान शिरडी द्वारा चैत्र शके 1845 यानी मार्च 1923 में प्रकाशित साई लीला पत्रिका के अनुसार सन 1923 में बाबा के समाधि लेने के करीब साढ़े चार वर्ष पश्चात दशेड़ी संस्थान कमेटी का गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कमेटी में पांच आजीवन ट्रस्टी रहेंगे और दस सदस्य कमेटी होगी जिसमें चेयरमैन सचिव सह सचिव कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष सहित पांच अन्य सदस्य होंगे यानी पांच आजीवन सदस्यों के अतिरिक्त दस अन्य सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तीन वर्ष बाद फिर से नई कमेटी गठन होगा जिसको चुनने का अधिकार भक्त मंडल को होगा इस भक्त मंडल में सदस्य बनाए जाएंगे और बैठक में निर्णय लिया गया कि भक्त मंडल के हर एक सदस्य को प्रत्येक वर्ष पांच रुपए देना होगा जिससे संस्थान का खर्च चलेगा संस्थान कमेटी के पंद्रह सदस्य कमेटी में आजीवन सदस्य बने श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान बी एल एल बी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दूसरे थे श्री लक्ष्मण गणेश महाजनी मैसेस शूरजी वल्लभ दास एंड कंपनी मुंबई तीसरे थे प्रोफेसर गणेश गोविंद नरके प्रोफेसर केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी कॉलेज ऑफ साइंस पुणे चौथे थे श्री रामचंद्र आत्माराम तरखंड मैनेजर एंड सेक्रेटरी मिल्स मुंबई पांचवें आजीवन सदस्य थे तात्या गणपति पाटिल कोते शिर्डी ग्रामवासी पांच आजीवन सदस्यों के अतिरिक्त दशिढ़ी संस्थान कमेटी के पहले चेयरमैन बने श्री गणेश दत्तात्रेय सहस्त्र बुधे उर्फ दास गणु महाराज सचिव बने श्री हरि सीताराम दीक्षित रिटायर्ड सचिव बने श्री रामचंद्र दादा कोते पाटिल ग्रामवासी थे श्री गोविंद रघुनाथ दाबोलकर उर्फ हेमांड पंत रिटायर्ड मामलादार एवं रेजिडेंट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बांद्रा सह कोषाध्यक्ष बने श्री यशवंत जनार्दन गालवनकर बीए जुडिशियल डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट मुंबई अन्य पांच सदस्य चुने गए श्री कृष्ण राव नारायण परुलकर उर्फ छोटू भैया ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हरदा श्री गणेश दामोदर केलकर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट श्री अमीदास बी मेहता प्रोपराइटर ब्रिटिश फोटो एंड कंपनी कालबा देवी मुंबई श्री माधवराव बलवंत देशपांडे उर्फ श्यामा शिरडी ग्रामवासी श्री रघुवीर भास्कर पुरंद्रे क्लर्क लोकोश डिपार्टमेंट जीआईपी रेलवे मुंबई साई लीला पत्रिका श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी कृपया साई लीला टाइम्स चैनल्स को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ओम साईरा